हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त नहुस डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि मैं रेयर अनकॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की चेन चला रखी है होम्योपैथिक वाइंस पर। सो आज आपके लिए लेकर आया हूँ डॉलिकोज म्यूकोना काउफेक, जिसका कॉमन नेम होता है। इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं समझाऊंगा आपको इस मेडिसिन के यूजेस एंड बेनिफिट्स। समझाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन बेल के साथ जरूर प्रेस कीजिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डॉलिकोज म्यूकोना काउफेक, इसका कॉमन नेम होता है। ये आपको स्पेशली इंडियन कंट्री, इंडिया में, मलेशिया, श्रीलंका जैसी एशियन कंट्रीज में आपको एक ट्विगिंग हब है एक तरीके की, जो उगता हुआ कल्टीवेट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। खासियत इसकी ये होती है कि इसके अंदर पाया जाने वाला म्यूकोनिन और वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं हमारे सिस्टम पर, इसको एक होम्योपैथिक मेडिसिन होने का प्रमाण देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे मेडिकल सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। ज्यादा बड़ा तो नहीं कहेंगे, छोटा ही पौधा होता है। और इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो इसके हेयरी पार्ट को स्क्रैप करके इसके एपिडर्मिस पॉड से होम्योपैथिक मेडिसिन लोअर पोटेंसी में टिंक्चर 1x प्रिपेयर की जाती है। तो ये होगी इस पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स बताऊंगा, कहां पर ये किस सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। स्पेशली ये एक्ट करती है लिवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, विशेष रूप से बताऊंगा। स्किन जो होता है सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का, ये मैं आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन। आप कहेंगे कैसे, इसके लिए बिल्कुल जुड़े रहिए इस वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा। स्किन और लिवर, गॉल ब्लैडर, तीन ऐसे सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लिवर और गॉल ब्लैडर पर डॉलिकोज का किस तरह से प्रभाव देखा जाता है। जिन किन्हीं भी पेशेंट्स के अंदर लिवर से संबंधित समस्या हो या जॉन्डिस कह लीजिए, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर कॉलिक, SGOT, SGPT फंक्शन डिस्टर्ब होना, हेमोरॉइडल डायस्टेसिस होता है, स्पेशली राइट साइडेड अफेक्टेड जो भी पार्ट होंगे हमारी बॉडी में, राइट साइडेड स्पेशली अफेक्टेड मेडिसिन है ये। जिनके लिए पेशेंट में पीलिया की शिकायत हो, पाइल्स की शिकायत हो, हेमोरॉइडल डायस्टेसिस है, बर्निंग इन रेक्टम, सेंसेशन जो होगी वो बर्निंग रहेगी, इचिंग रहेगी पेशेंट्स को, पाइल्स की, कोनी पाइल्स की समस्या का सामना करना पड़ेगा। स्किन की बात कर लें, स्किन के अंदर इस तरह से ये इफेक्ट करती है, इचिंग विदाउट इरप्शन, आपकी बॉडी में खुजली बहुत ज्यादा चलेगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत होगी उसके साथ साथ खुजली भी होगी, कॉन्स्टिपेशन विद इरप्शंस और इचिंग विदाउट इरप्शन, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। खुजली होगी पर इरप्शन नहीं होंगे। डॉलिकोज बहुत सटीक एक्शन करती है इचिंग की समस्या में, खुजली की समस्या में, और स्पेशली ये हर्पीस ज़ोस्टर जैसी बीमारी के लिए रामबाण औषधि साबित होती है। तो ये जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी डॉलिकोज के बारे में, इसके बारे में आप लोअर पोटेंसी में इसको 30-200 भी यूज करेंगे और स्पेशली 6 और मदर टिंचर में, तो अच्छे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ डॉलिकोज म्यूकोना काउफेक के बारे में जो जानकारी आपको दी गई उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो किसी भी संदर्भ में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। लिंक्स भी दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद होम्योपैथिक वाइंस फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।